यह वीडियो क्लास 10 के पहले चैप्टर यानी कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, जिस पूरे चैप्टर को सिर्फ 10 मिनट में कवर किया गया। तो 10 मिनट की वीडियो देखकर ये बिल्कुल मत समझना कि वीडियो की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, और आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, क्लास 10 की प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हो, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने द पैक्ट बिटवीन नेशन नाम की एक पेंटिंग बनाई, जिसमें आप देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को स्वतंत्रता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। जमीन पर मोनार्की के अवशेष बिखरे हुए हैं और लोग लंबी कतार में चलते हुए स्वतंत्रता की प्राप्ति कर रहे हैं। उनके देवता यानी कि उनके गॉड उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह पेंटिंग सोरियो के यूटोपियन विजन को दिखाती है। यूटोपिया का मतलब एक ऐसे समाज से जो इतना आदर्श है कि रियल लाइफ में ऐसा हो पाना इम्पॉसिबल है। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ था, वो नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था। आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले नेशन स्टेट का मतलब जानना होगा। नेशन स्टेट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो सिटीजन है वो कॉमन आइडेंटिटी को इंजॉय करते हैं, और ये जो कॉमन आइडेंटिटी है वो इनके कॉमन हिस्ट्री, स्ट्रगल और डिसेंट से निकली हुई है, और उस जगह को नेशन स्टेट कहा जाता है। मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। ला पैट्रे और ले सिटोयन नाम के शब्दों को ईजाद किया गया, जिसका मतलब होता है पैतृ भूमि और सिटीजन। जो फ्रांस की पावर है वो मोनार्क से कॉमन पीपल की ओर ट्रांसफर हो गई। नया ट्राइकलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज बन गई। नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया और सप्ते ली गई। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और उसको कॉमन लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाने लगा। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो टैक्स लगता था उसको इंटरनल कस्टम ड्यूटीज कहा जाता है, उसको अबॉलिश कर दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सारे मेन चेंजेस हुए थे। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि 1799 में नेपोलियन ने जो पॉलिटिकल पावर है उसको हथिया लिया था। फिर उसने 1804 में सिविल कोड निकाला, जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। इसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी थी। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश किया, ऑल प्रिविलेजेस ऑन बर्थ को रिमूव कर दिया, सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दी, फेडरल सिस्टम यानी कि सामंती व्यवस्था को अबॉलिश किया गया, किसानों को दासता से मुक्ति दिलाई गई, गिल्ड रजिस्ट्रेशन को रिमूव किया गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। इसमें कुछ निगेटिव थिंग्स भी थी, जैसे कि को इंक्रीज किया गया, सेंसरशिप को इम्पोज किया गया और लोगों को फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती भर्ती किया गया। लेकिन अंततः 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। इसको हराने के लिए चार देशों ने पार्टिसिपेट किया था, प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। उस वक्त यूरोपियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी पाई जाती थी। मेनली रूप से यूरोपियन सोसाइटी उस वक्त दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक थी एरिस्टोक्रेसी और दूसरे थे पीजेंट्स। जो एरिस्टोक्रेसी थे वो हाई क्लास लोग थे और इनके पास सारी सारी जमीन हुआ करती थी, लेकिन लेस पॉपुलेशन होने के साथ साथ इनके पास सारी के सारी राइट्स भी थे, इसलिए ये सोसाइटी को डोमिनेट करते थे। और जो पीजेंट थे उनके पास ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कोई भी राइट्स नहीं थे, इसलिए इनको लो क्लास कहा जाता था, और साथ ही इनके पास कोई भी जमीन नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया और एक न्यू मिडिल क्लास सामने आई। इसमें मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर और टीचर आते थे जो कि एजुकेटेड थे। इनका मानना था कि जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उसको लोगों द्वारा चुना जाना चाहिए। इसी भावना को लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है। इसके मेनली रूप से दो पर्सपेक्टिव थे, पहला था पॉलिटिकल और दूसरा था इकोनॉमिक। जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था उसमें कहा जाता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका राइट सबको मिलना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो चुनी होनी चाहिए लोगों द्वारा, और साथ ही जो ऑटोक्रेसी है उसका एंड हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ क्लर्जिकल प्रिविलेजेस का भी अंत हो जाना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए और पार्लियामेंट होनी चाहिए। ये था पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो टैक्स है उनको खत्म कर देना चाहिए, मार्केट की सबको फ्रीडम होनी चाहिए। 1834 में न्यू मिडिल क्लास ने एक नई कस्टम यूनियन बनाई जिसको जोलवेरिन कहा जाता था। इसने सारे के सारे टैरिफ बैरियर को हटा दिया, और साथ ही जो यूरोप में 30 करेंसी चलती थी उसको घटाकर सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसी कर दिया गया, यानी कि 28 करेंसी को अबॉलिश कर दिया गया। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आपको तो ये पता ही होगा कि 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। इसको हराने के लिए चार देशों ने पार्टिसिपेट किया, उनमें प्रूसिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन आते थे। जब इन्होंने 1815 में नेपोलियन को हराया, तब उसके बाद इन्होंने नेपोलियन से ट्रीटी ऑफ वीना साइन कराया, जो बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर कर देता है, और फ्रांस की बाउंड्री में अलग अलग स्टेट बना दिए जाते हैं ताकि फ्रांस फ्यूचर में एक्सपैंड न कर पाए। लेकिन जो कस्टम यूनियन था उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती। इनका मेन इंटेंशन यह था कि मोनार्कीज को वापस लाया जाए जो नेपोलियन द्वारा ओवरथ्रो कर दिए गए थे। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1832-1848। 1815 की घटना के बाद सजा के डर से कई उदार राष्ट्रवादी अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन एक ऐसा भी क्रांतिकारी था जिसने अभी तक हार नहीं मानी थी, जीयूसेप्पे मेत्सिनी, एक इटालियन क्रांतिकारी था जिसका जन्म 1807 में हुआ था। बाद में वह कार्बोनाई नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य बन गया था। जब वह महज 24 साल का था तब लिगुरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में उसे 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। उसके बाद उसने दो अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया, इनमें से एक था यंग इटली इन मार्शल्स और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। उसका मानना था कि भगवान
ने राष्ट्र को मानवता की नैसर्गिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना जरूरी है। इस बीच जब रूढ़िवादी ताकतें अपनी शक्ति को मजबूत करने में जुटी हुई थीं, उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। जुलाई 1830 में फ्रांस में सबसे पहला उथल पुथल हुआ। उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बर्बन के राजाओं को उखाड़ फेंका। उसके बाद एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसका मुखिया लुई फिलिप को बनाया गया था। जुलाई की उस क्रांति के बाद ब्रसेल्स में भी आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम अलग हो गया। रेवोल्यूशन इन ग्रीस। ग्रीस 15वीं सदी से ओटोमैन एम्पायर का एक पार्ट था, लेकिन ग्रीस की आजादी का संघर्ष 1821 से ही शुरू हो गया था। उन्हें विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन ग्रीस संस्कृति का सम्मान करते थे। इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों ने जन भावना को इसके पक्ष में लाने की भरपूर कोशिश की। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के अनुसार ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी गई। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग कल्चर राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब ने नेशनलिस्ट फीलिंग को बनाए रखा। रोमांटिक आर्टिस्ट ने रीजन और साइंस को क्रिटिसाइज किया और इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग को इनकरेज किया, और इन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की कि जो नेशन की भावना है उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके। इसलिए इन्होंने लोकल लैंग्वेज में भी गीत, स्टोरीज, म्यूजिक ये सब फैलाएं, ताकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो अनपढ़ लोगों तक भी पहुंच सके। इस प्रकार कल्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। 19वीं सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, उसमें यूरोप की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। इससे लोग तो ज्यादा हो गए, लेकिन जॉब उतनी ही रही। जॉब की तलाश में जो लोग हैं वो सिटी में चले गए, इसलिए सिटी जो है क्राउडेड हो गई। मेन दिक्कत ये थी कि जो हैंडमेड गुड्स था उसकी प्राइस यूरोप में काफी ज्यादा थी, लेकिन जो मशीन से बनी हुई चीजें जो बाहर से एक्सपोर्ट होकर आती थी उनकी प्राइस सस्ती थी, इसलिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता रहा। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जिससे शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। इन सब से परेशान होकर पीजेंट और वीवर्स ने रिवॉल्ट कर दिया। द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। पुअर, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पीजेंट के साथ साथ 1848 में यूरोप की बहुत सी कंट्री में रेवोल्यूशन जो है मिडिल क्लास द्वारा किया जा रहा था। जर्मनी, इटली, पोलैंड जैसे यूरोप के वह पार्ट जहां पर इंडिपेंडेंट नेशन अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वहां मैन और वुमेन जो कि मिडिल क्लास से थे, उन्होंने कंबाइन होकर अपनी डिमांड्स को रखा, जो कहती थी कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ नेशनल यूनिफिकेशन भी चाहिए। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद प्रजातंत्र और क्रांति से दूर हो चुका था। रूढ़िवादी ताकतें राष्ट्रवाद की भावना को इसलिए हवा देने लगे थे ताकि शासक की शक्तियों को बढ़ाया जा सके और यूरोप में राजतांत्रिक प्रभुत्व हासिल किया जा सके। द जर्मनी यूनिफिकेशन। ओटो वान बिस्मार्क जो कि प्रूसिया के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जर्मनी की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा योगदान दिया। इस काम के लिए बिस्मार्क ने प्रूसियन आर्मी के साथ साथ प्रशासन तंत्र का भी सहारा लिया। इन्होंने 7 साल में 3 युद्ध किए, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और तीनों युद्धों में इनको जीत मिली और इस तरह जर्मनी का एकीकरण का काम पूरा हो गया। प्रूसिया के राजा काइजर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का बादशाह घोषित कर दिया गया। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली उस वक्त 7 स्टेट में डिवाइडेड था। उनमें से एक सर्डिनिया पिडमांड में इटालियन शासक शासन करते थे। उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य का नियंत्रण था, मध्य भाग पोप के शासन में और दक्षिण भाग स्पेन के बोर्बन राजाओं के नियंत्रण में था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मेत्सिनी ने एक योजना बनाई, लेकिन 1831 और 1848 के विद्रोह की सफलता के बाद अब इसकी जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांड और उसके शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। इसके लिए मुख्यमंत्री कैवर को चुना गया, जो न तो क्रांतिकारी था न ही प्रजातांत्रिक व्यक्ति, लेकिन क्योंकि उसे इटालियन भाषा से ज्यादा फ्रेंच भाषा बोलना आता था, इसलिए उसे इसकी जिम्मेदारी दी गई। फिर उसने फ्रांस के साथ साथ 1859 में ऑस्ट्रिया की सेना को भी हरा दिया। 1860 के मार्च में उन्होंने दक्षिण इटली पर भी शासन कर लिया। फिर 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय एक यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का एकीकरण एक अजीब मामला था, क्योंकि यह एक लंबी खींची प्रक्रिया का परिणाम था, न कि अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का। ब्रिटिश द्वीपों की विभिन्न जातीय पहचाने थी, अंग्रेजी, वेल्स, स्कॉट। औद्योगिक विकास के कारण इंग्लैंड के लोग अमीर और समृद्ध होने लगे, परिणाम स्वरूप अंग्रेजी संसद अधिक शक्तिशाली हो गई और राजशाही से सत्ता जब्त कर ली। 1688 इंग्लैंड ने क्षेत्र का विस्तार करने का फैसला किया। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की आबादी अधिक थी, वो स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेंट आबादी की मदद से स्कॉटलैंड पर कब्जा करने में सक्षम थे। इसका अंत संघ के अधिनियम 1707 के साथ हुआ, जिस कारण ग्रेट ब्रिटेन संयुक्त राज्य का गठन हुआ। स्कॉटलैंड के लोगों ने अपनी पहचान खो दी और उन्हें अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैथोलिक आबादी पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने फिर उत्तरी आयरलैंड में प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। एकजुट होकर आयरिश लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। आयरलैंड अंततः 1801 में ब्रिटेन का हिस्सा बन गया।
विजुअलाइजिंग द नेशन। 18वीं और 19वीं सदी में आर्टिस्टों ने नेशन को पर्सोनिफाई करना शुरू कर दिया था। उन्होंने नेशन को फीमेल फिगर के रूप में चित्रित किया, लेकिन यह महिला सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, यह रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी। और इन्हीं फीमेल फिगर को नेशन का एलेगरी बनाना शुरू कर दिया गया था। इन्हीं सारी चीजों का यूज करके मरियाना को फ्रांस का और जर्मनी को जर्मन का एलेगरी बना दिया गया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बलकान एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ भौगोलिक विविधताएं मौजूद थी और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मोटे तौर पर स्लाव कहा जाता था। बलकान का एक बड़ा हिस्सा ओटोमान साम्राज्य के नियंत्रण में था। यह वो दौर था जब ओटोमान साम्राज्य बिखर रहा था और बलकान में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थी। पूरी 19वीं सदी में ओटोमान साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें उसे अधिक सफलता नहीं मिली। इसके नियंत्रण में आने वाले यूरोपीय देश एक एक करके इससे अलग होते गए और अपनी आज़ादी घोषित करते गए। बलकान के देशों ने अपने इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का हवाला देते हुए अलग होने की घोषणा की, लेकिन जब ये देश अपनी पहचान बनाने और आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब इस क्षेत्र में गंभीर झगड़े होने लगे। इस प्रक्रिया में बलकान के क्षेत्र में ताकत हथियाने के लिए भी जबरदस्त लड़ाई जारी रही। उसी दौरान विभिन्न यूरोपीय ताकतों के बीच उपनिवेशों और व्यापार को लेकर कसमकस चल रही थी और वह झगड़ा नौसेना और सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भी जारी रहा। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, हर शक्ति का यही लक्ष्य था कि वह किसी तरह बलकान पर नियंत्रण स्थापित कर पाए। इसके कारण कई लड़ाइयां हुई जिसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसी के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और यहां तक वीडियो देखी है तो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।